जी गुड मॉर्निंग ग्रेड सेवन्थ, होप सो बच्चों आप सब ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, हम अपना टॉपिक कर रहे थे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। उसमें हमने कंडक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था। एक दफ़ा मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हीट जो होती है सॉलिड्स में से क्या होती है, पास कर सकती है, ठीक है। तो हमने देखा था कि मेटल बार जो है वो पूरा का पूरा किस तरह से हॉट हो जाता है, ठीक है। वो हमने देखा था कि उसमें कंडक्शन होती है, ठीक है। कंडक्शन क्या है? द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एज मेटल इज कॉल्ड कंडक्शन। के मूवमेंट ऑफ हीट, के हीट जो मूव कर रही है, ठीक है, एक सॉलिड में से, जैसा कि मेटल हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन क्या है? हीट का मूव करना, ठीक है, पास आउट कर जाना किसी सॉलिड में से, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जिस जो हीट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जिनमें से हीट पास आउट कर जाती है, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे कंडक्टर्स। तो यही हमारा आज क्वेश्चन भी है। अब हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, अब हम इसकी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 1 करें, हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है। आप डेट और डे मेंशन करेंगे, यूनिट नंबर 1 लिखेंगे, हीटिंग एंड कूलिंग टॉपिक लिखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डिफाइन कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स को हमने डिफाइन करना है। तो कंडक्शन क्या होती है? कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हीट जो है वो मूव कर जाती है किसी भी सॉलिड में से। तो कंडक्टर्स क्या होंगे? मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। के ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, ठीक है, अपने अंदर से, वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसा कि एग्जांपल क्या है हमारे पास? आयरन और स्टील,